नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं नीरज शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। गरुड़ेश्वर तहसील की मोटी रावल गांव में नर्मदा जिला पंचायत सदस्य शारदा बहन बिट्टल भाई तड़वी ने दीपावली निमित्त पदयात्रा पर आए हुए यात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। आदिवासी समाज में दीपावली अद्भुत तरीके से मनाई जाती है। इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से घोड़े लेकर ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए लोग यहाँ पहुँचते हैं। अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए श्रद्धालु भदरवा गांव के भातीजी देव मंदिर पर पैदल चलकर आते हैं। श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए कीमती चीजें भी देवों को अर्पण करते हैं। हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने इस उत्सव की विशेषता के बारे में शारदा बहन तड़वी और यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं से बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए गौतम व्यास की रिपोर्ट। केवड़िया कॉलोनी नजदीक भदरवा गांव में भाती दादा का मंदिर है, जहाँ पर हर साल यहाँ पर देव दिवाली के वक्त यहाँ पर होता है और यहाँ पर भंडारा होता है। आज हमारे साथ यहाँ पर नर्मदा जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती शारदा बहन जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने यहाँ पर भंडारा किया है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में से कई लोग यहाँ पर ढोल ताल नगारा और घोड़ा लेके आते हैं और वो लोग ढोल और नगारा के ताल के साथ यहाँ पर नाच करते हैं। और यहाँ पर हमारे नर्मदा जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती शारदा बहन तड़वी द्वारा यहाँ पर हर साल उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। हमारे साथ आज यहाँ पर श्रीमती शारदा बहन तड़वी उपस्थित है, आइए हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जीवन ये जो आप जो ये जो भंडारा कर रहे हो, वो भंडारा आप कितने साल से कर रहे हो, कब शुरू किया था और कब खत्म होगा? हमारे साथ यहाँ पर गरुड़ेश्वर पंचायत के पूर्व सरपंच भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। जी पर यहाँ पर ये जो भंडारा जो हो रहा है, उससे आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आप जो पिछले कई सालों से कर रहे हो, तो ये भंडारा करने की प्रेरणा आपको किस तरह मिली?